पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 साल पहले 7 गुनी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है किसकी, पिता की। ठीक, इसके पहले हम समीकरण के तौर पे सवाल लगाया करते थे। ठीक, हमें समीकरण से नहीं लगाना है, हमें लगाना है कितने जल्दी उत्तर आए। ऐसी विधि अपनाना है कि सभी सवालों में वही विधि लगे, ठीक वही नियम लगे। तो देखिएगा, एस फादर, पिता एस सन, पुत्र 3 गुनी पिता की है, तो पिता के नीचे लिख देंगे 3, इसके बाद पुत्र की जगह लिख देंगे क्या, एक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3/1। ठीक है, अब इसकी बात देखते हैं, ये 5 वर्ष बाद है, तो बाद है, प्लस के चिन्ह लगा देंगे, यहां लिख देंगे 5, ये 5 साल पहले है। ठीक, तो यहां माइनस के चिन्ह लगा देंगे, इससे पता चल जाएगा कि 5 साल पहले है, इससे पता चलेगा 5 साल बाद थी। ठीक, अब इसके बाद कितनी है, 7 गुनी, तो यहां लिखेंगे 7 और यहां लिखेंगे 1। अब देखिए 3 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। आप कहेंगे माइनस तो बचता है, हमें केवल अंतर चाहिए, अंतर चाहिए, यहां 4 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक, अब ये डिफरेंस, इनके अंतर दोनों के बराबर नहीं है, जब दोनों के अंतर बराबर नहीं है तो इनका अंतर देखते हैं अनुपातों वाला। ठीक, अब 3 और 1 का अंतर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 7 लिखा है 1 लिखा है, इनका अंतर कितना होगा, 6 छह हो जाएगा, यहां लिख देंगे आप 6। अब देखिए जो अंतर आया है, जो नीचे अंतर है ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, और जो ऊपर का अंतर है वो नीचे वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो नीचे अंतर कितना आया, 6 का, तो इसमें कर देंगे 6 का गुणा, और यहां आया 2 का, तो इसमें कर देंगे 2 का गुणा। ठीक, कोई दिक्कत।